नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके प्रिय YouTube चैनल में। ब्लैक फंगस एक COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं, जो रिकवर हो रहे हैं, जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनमें जो ब्लैक फंगस, काला फंगस जो है, वो बीमारी देखने को मिल रही है। काफ़ी एक सीवियर कंडीशन में भी पेशेंट जा रहे हैं, डेथ भी हो रही है इससे। तो इसको लेके जो सरकार ने जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की है, एडवाइजरी एक जारी की है, जे सभी जो इंडियन सिटीजन्स हैं, भारत के जो लोग हैं, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पीडीएफ मैंने MHRD की साइट से डाउनलोड की है, तो आपको भी व्हाट्सएप में ये मिल रही होगी, कहीं न्यूज़ में भी चल रहा है ब्लैक फंगस के बारे में। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सभी के लिए ये जो एडवाइजरी है ये सभी को पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी में, सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि COVID-19 जो संक्रमण के जो उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आँख, दिमाग में फैलकर इसको नष्ट कर देती है, यानी ये फंगस उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है जिनको कोविड हुआ है, या कोविड से ठीक भी हो गए हैं। तो ये नाक को कर रही है, साइनस जो हमारी स्कल में पुश खाली जगह होती है, नाक के आसपास एरिया होता है, आँख जो है हमारी उसको डैमेज कर रही है, इससे जो आँखों की रोशनी जाने का भी खतरा है, दिमाग को ख़राब कर रही है, यानी इसमें न्यूरल डिजनरेशन भी कर रही है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए, यानी अभी नया खतरा पनप गया है। ब्लैक फंगस के बारे में किसे हो सकता है ये? कोविड के दौरान बेसिकली जो स्टीरॉइड दिए जाते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोल, ये स्टीरॉइड होते हैं, मेडिसिंस होती हैं एंटी इंफ्लामेटरी। कोविड मरीज़ को ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है और या ICU में रखना पड़ता है। तो डायबिटीज़ का अच्छा नियंत्रण ना हो, यानी जो वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट रहे हो ICU में, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ हो, उनकी जिनकी मेडिसिन चल रही हो, उनको ये ज़्यादा खतरा है इसका। इसके क्या लक्षण हैं या क्या सिम्टम्स हैं इसके? चेहरे में एक तरफ दर्द होना, फेस में साइड में दर्द होना, सूजन हो या सुन हो जाना, यानी स्वेलिंग हो जाए, वहाँ जब आप टच करते आपको कुछ फील ना हो, छूने पर छूने का एहसास ना होना, यानी वहाँ पे सेंसेशन ना होना, दांत में दर्द होना, दांत हिलने लगते हैं, चबाने में दर्द होना, मैस्टिकेशन जब आप फूड च्यू करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है इसमें, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आना, यानी वॉमिटिंग में ब्लड आना या खांसने में। क्या करना चाहिए इसमें? उपयुक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल सरकारी हॉस्पिटल में या किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। नाक, कान, गले, आँख जो है, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ जो है उनको तुरंत दिखाएं। डेंटिस्ट को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि दांत में भी ये प्रॉब्लम आती है, बकल कैविटी को भी ये डैमेज करता है, क्योंकि हमने कल भी वीडियो में आपको इसके बारे में, हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर अक्षय, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। तो डेंटिस्ट को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। सावधानियाँ क्या है? खुद या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टीरॉइड दवा कतई शुरू ना करें, यानी स्टीरॉइड इसमें बिल्कुल ही नहीं लेना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, जैसे टैक्सोना होगी, मेड्रोल, इनको ना लें। स्टीरॉइड का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, डॉक्टर सिर्फ 5-10 दिन के लिए ही ये देते हैं। बीमारी शुरू होने के 5-7 दिन के बाद स्टीरॉइड ली जाती है, एकदम से नहीं, केवल गंभीर मरीजों को अजय दी जाती है। सावधानियाँ क्या है? लक्षण जब आते हैं कि पहले 5-7 दिनों में स्टीरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं, बीमारी शुरू होने की होते ही
स्टेरॉयड शुरू ना करें, इससे बीमारी बढ़ जाती है, यानी स्टेरॉयड ना यूज़ करें। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाइयों में स्टेरॉयड है या नहीं, अगर है तो दवाइयों मुझे क्यों दी जा रही हैं। स्टेरॉयड शुरू होने पर डॉक्टर के नियंत्रण में रहें, उससे नियमित संपर्क करें। इस जानकारी को ज़रूर आगे फैलाएं, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको नहीं पता कि इस जानकारी शेयर करने से कितनों की जान बच सकती है। इसे शेयर करें, लोगों की मदद करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और ब्लैक फंगस से बचा हो सके। तो साथियों, उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अवेलेबल है ऑनलाइन भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना बचाव रखें, स्टे सेफ स्टे होम, अपने हाथों की सफाई रखें, कपड़ों की सफाई रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।